फोर लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो फोर लूप होता है बच्चों, वो दो तरीके से हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट हो जाता है हमारा रेंज वर्ड यूज करके, और सेकंड हो जाता है इन यूज करके, ठीक है। तो दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं फोर लूप को। रेंज वाला हमने कल किया था, थोड़ा सा फास्टली उसको रिवाइज कर लेते हैं। फोर, फोर के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे लूप वेरिएबल, ओके। लूप वेरिएबल, जो भी हमें वेरिएबल लेना है वो नाम लिख देंगे। तो ये लूप वेरिएबल हमेशा लूप की जो प्रोसेसिंग चलती है ना, वो किसके थ्रू चलती है? इस लूप वेरिएबल के थ्रू चलती है, ठीक है। लूप वेरिएबल इन, देन वी विल गिव रेंज, ओके। जैसे हमने दे दिया फोर, ओके। आकांक्षा, अगर नेटवर्क इश्यूज है बेटे, तो रिकॉर्डिंग तो मैं डेली भेजती हूँ अपने जो क्लास की वीडियो, अगर कुछ बीच में मिस हो जाता है तो डेली के डेली सुन लेना उसको, ठीक है। तो आज की क्लास की भी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, ठीक है। फोर रेंज इन फोर, ठीक है, इन रेंज फोर, ओके। उसके बाद प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे हम? लूप वेरिएबल की ही वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं, ओके। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लूप वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये देखो, ये कहां से स्टार्ट हुआ? जीरो से लेके और थ्री तक चला, फोर टाइम हमने ये दिया है। ये कितने बारी चलेगा? फोर टाइम लूप चलेगा। हमेशा नंबरिंग इसमें जीरो से स्टार्ट होती है, जो पाइथन है, पाइथन में नंबरिंग हमेशा ये जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो ये इसको क्या कंसीडर करके चलेगा? एंड, ठीक है। आपका अगर मैंने दे दिया है ब्रैकेट में फोर, इसका मतलब लूप वेरिएबल कितने से कितने तक चलेगा? जीरो से लेके फोर टाइम चलेगा ना, तो फोर टाइम हो गया जीरो से लेके थ्री तक। मीन्स ये क्या हो गई यहाँ पे? ये एंड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एंड हो गया। इसको ही मैं दूसरे तरीके से दे सकती हूँ। जैसे सपोज करो, अगर मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ फोर लूप वेरिएबल इन रेंज 1 to 5, मैंने यहाँ दे दिया ये 1 to 5। ये आपकी, जब मैंने दो वैल्यू दी है ना कॉलन करके, तो ये क्या हो गई? इसकी स्टार्टिंग होगी, और ये क्या हो गया? इसका नंबर ऑफ रिपीटिशन हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वन से होगी, और नंबर ऑफ रिपीटिशन कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में सिर्फ 4 था, तो ये क्या था? इसका नंबर ऑफ रिपीटिशन। स्टार्टिंग हमने दी नहीं थी, तो स्टार्टिंग इसने क्या कंसीडर करी? 0 से। लेकिन हम क्या चाहते हैं? जो स्टार्टिंग है वो 1 से हो, तो वी कैन मेंशन द स्टार्टिंग ऑल्सो, ओके। तो इसमें ये क्या करेगा? अगर मैंने दिया है 1:5, तो इस केस में क्या हो गया? ये 1 जो है, ये क्या है? आपका स्टार्टिंग, ओके। जो 1 है वो है स्टार्टिंग, और जो 5 है, 5 क्या है? आपका नंबर ऑफ रिपीटिशन, नंबर ऑफ रिपीटिशन, ठीक है। ये है नंबर ऑफ रिपीटिशन। तो ये लूप कितने से कितने तक चलेगा बच्चों? वन से फोर तक चलेगा। एक सेकेंड, वन टू फोर है ना, यहाँ ये 5 क्या था? नंबर ऑफ रिपीटिशन था, है ना। और 1 क्या है? आपका स्टार्टिंग, ठीक है।
जब हम स्लाइसिंग करते थे, स्लाइसिंग में हम क्या करते थे, यहाँ पे कॉलन पुट कर देते थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोमा डालेंगे, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे अभी हमने कर दिया था, यहाँ पे बाय मिस्टेक कॉलन पुट कर दिया था, ये स्लाइसिंग में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कॉमा। तो ये तो हो गया इफ यू आर गिविंग टू वैल्यूज इन द पैरेंथेसिस। अच्छा, फिर तीसरा और आ जाता है कॉमा करके, अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 दे देती हूँ और ये मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, 12 दे दिया, ठीक है। तो ये जो तीसरी वैल्यू लिखी है बच्चों, ये जो तीसरी वैल्यू है, ये क्या हो गई, रिपीटिशन हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू क्या हो गई, जैसे फर्स्ट वैल्यू आप लोगों को पता है स्टार्टिंग है, उसके बाद सेकेंड वैल्यू आप लोगों को पता है नंबर ऑफ रिपीटिशन है, 12 टाइम रिपीट होगा, ओके, 12 - 1 तक। अब ये यहाँ मैंने 2 क्या दे दिया बच्चों, ये 2 क्या है, स्टेप की वैल्यू है, मतलब पहले ये एक सीरीज में चल रहा था, 1 2 3 4 5 +1 +1 कर रहा था, ये क्या मैंने दे दिया बच्चों, ये मैंने दे दिया कि आपको +1 नहीं करना है, +2 करना। तो यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट स्टेप में वैल्यू 1 है, सेकंड स्टेप में वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2, सेकंड स्टेप में वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 और नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू हो जाएगी 5, इस हिसाब से इसकी वैल्यू चले, ठीक है। इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं, ये देखो 11 तक ये चला है, ठीक है। कब तक चलेगा, जो इसको हम यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू देते हैं उसके -1 तक चलता है ये हमेशा, ठीक है। जो ये हम यहाँ पे देते हैं कि एंड वैल्यू कहाँ तक चलेगी, तो इसके -1 तक चलता है। जैसे हमने पहले 5 दिया था, तो ये कितने तक चला था, 4 तक चला था। अभी हमने यहाँ पे 12 दे दिया, तो ये क्या हो गया, कितने तक चलेगा, 11 तक चलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एंड है नंबर ऑफ रिपीटिशन, कि आपका जो रिपीटिशन है वो कहाँ पर एंड करेगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है, नंबर ऑफ रिपीटिशन आपका कहाँ पे एंड करेगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 11 तक चलेगा, ओके। तो इसकी ये 3, अच्छा इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, जो स्टेप्स हैं वो -2 भी दे सकते हैं। अगर सपोज करो मैंने ये -2 दे दिया, तो ये लूप कैसे चलेगा बच्चों, अगर मैंने इसको -2 दे दिया, तो फर्स्ट टाइम पे लूप की वैल्यू कितनी है, 1 है, नेक्स्ट टाइम पे -2 हो जाएगा, है ना। कब तक इसको चलना है, जब तक ये 11 के इक्वल नहीं हो जाता या <12 नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये कहां तक चलेगा, फर्स्ट टाइम वैल्यू इसकी कितनी है, 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, -2, 1 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1, नेक्स्ट टाइम इस लूप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, उसके बाद हो जाएगी -3। क्या ये लूप कभी एंड होगा, क्या ये लूप कभी एंड होगा, आप लोगों को लगता है ये लूप कभी खत्म हो जाएगा, हम अगर इसका ये सिर्फ एंड देख के कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस कितनी है तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू 12 से छोटी 11 आएगी तब नहीं होगा। ये बेटे जो ये है ना, ये नंबर ऑफ रिपीटेशन, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं है, ये है कि जो आपका रिपीटेशन होगा वो इस नंबर से पहले तक होगा, है ना। जो ये नंबर ऑफ रिपीटेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि 12 टाइम या 11 टाइम चलेगा, इसका मतलब ये है जैसे ही आपके लूप की वेरिएबल, लूप वेरिएबल की वैल्यू 12 हो जाएगी ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ये इसका मीनिंग ये होता है। जैसे ही आप, हाँ ये तो एंड होगा ही नहीं, है ना। इसको हम डिबग करके देख लेते हैं एक बार, डिबगर ऑन कर देते हैं, ओके। F5, ओके, डिबगर की वैल्यू दिखा रहा है, ये
ये तो फर्स्ट स्टेप पे ही एंड कर जाता है। ये देखो ये तो फर्स्ट स्टेप पे ही एंड कर रहा है। ऐसा क्यों हो क्योंकि रहा है? वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है ना, हाँ, देखो तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है कभी बच्चों, होगा ही नहीं। हाँ नेगेटिव में वैल्यू चली जाती है, उससे नहीं वो फिर भी चल जाएगा। जैसे हमने स्लाइसिंग में किया था ना बच्चों, ये यहाँ पे एक सीरीज में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमने दे दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 से चले 11 तक, है ना, लेस देन 12 तक चले। लेकिन यहाँ पे तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, हो रहा है ना ऐसे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो हमारा कोई पॉइंट बना नहीं ना। चलो हम इसको 12 से 1 तक चला के देखते, क्या ये चलेगा? यस मैम। चलो देख लेते हैं, ये देखो आया समझ में? जो हमने स्लाइस वाले में पॉइंट करा था ना बच्चों, वही पॉइंट ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, 12 से 1 तक तो ही तो रिड्यूस करेगा ना, हमने स्टार्टिंग की है 12 से, है ना, और हमें जाना है 1 पे। इट मींस वी हैव टू रिड्यूस द लूप वेरिएबल वैल्यू, ओनली इन दैट केस वी विल एबल टू रीच दिस वैल्यू। ओके, ये हुआ स्टेप वाला कंसेप्ट क्लियर? तो जब आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देते हो बच्चों, देन यू हैव टू गिव द स्टार्टिंग वैल्यू मोर देन द एंड वैल्यू। आया समझ में? अगर आप एंड वैल्यू ज्यादा देते हो और ये कम देते हो तो ये कोई टुक नहीं बना ना इस वाले स्टेटमेंट का। तो अच्छा, हम यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू दे सकते हैं क्या? कैन वी गिव डेसिमल? ये कभी एक्सपेरिमेंट किए हैं आप लोगों? ये देखो, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। ओके, तो ये बात कंफर्म है कि ये जो प्रोसेसिंग है ये आपको क्या करनी है, हमेशा इंटीजर में ही देनी है। आया समझ में? तो अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन ही आ जाता है कि भाई एक कोमा करके इसने दे दिया 0.8, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? स्टेप 0.8 दे दी तो उस केस में क्या है, इट वॉन्ट बी एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। हुआ क्लियर रेंज वाला कंसेप्ट? यस मैम। ये है ना रेंज वाला कंसेप्ट बहुत कई सारी जगह यूज हो जाता है। जैसे सपोज करो आप ऐसे दे रहे हो, 2 का टेबल डिस्प्ले करना है ना, 2 से स्टार्ट करे, कहाँ तक चले 21 तक चले, कितने स्टेप है 2, सिंपल है ना। तो इसने 2 का वेरिएबल, 2 का टेबल डिस्प्ले कर दिया। कुछ भी आपको ऐसा रिपीटेशन वाला डिस्प्ले करना है तो वो डिस्प्ले कर सकते हो आप इससे। ठीक है, अच्छा ये तो था रेंज। उसके बाद आ जाएगा, हम रेंज हटा देंगे, हम देंगे लूप वेरिएबल इन, इनके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज देंगे। ओके, इनके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज देंगे। तो जैसे हमने लिख दिया फॉर लूप वेरिएबल इन, यहाँ पे हमने ऐसे वैल्यूज दे दी। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, स्मॉल ब्रैकेट में डालते थे, है ना, जब हम रेंज कीवर्ड यूज करते हैं तो कौन सी ब्रैकेट लेते थे, स्मॉल ब्रैकेट। रेंज लिखते थे तो क्या मैम, इसमें ये डिफरेंस याद रखना बच्चों। ये डिफरेंस जरूर याद करना, ये देखो 1 2 3 4, 4 टाइम ये लूप चल पड़ा। इसमें हमने इसको स्टार्टिंग एंड नहीं दिया। लूप वेरिएबल की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर क्या वैल्यू है, जो हमने यहाँ एलिमेंट्स दिए है ना, वही एलिमेंट्स की वैल्यू लूप की वेरिएबल की वैल्यू होगी। अच्छा, जरूरी नहीं है सिर्फ नंबर दे, हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इस हिसाब से भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज भी दे सकते हैं।
एग्जीक्यूट करते, तो लूप वेरिएबल की वैल्यूज कितनी होगी इसमें, 0, 1, 2। रिप्लाई करो सही गलत कुछ भी, लूप वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों इसमें? पता नहीं, पता है, रिप्लाई जरूर करा करो, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा ना आप लोगों का। पता है क्या होता है, रिप्लाई करते हैं ना और अगर अपना आंसर ठीक हो जाए तो एक थोड़ी ऐसी प्राउड वाली फीलिंग आती है, अरे मेरा तो आंसर ठीक था, तो वो याद रहता है कि मैंने ऐसा ठीक बताया था। और अगर गलत हो जाए तुम्हारा आंसर तो भी एक धप्पा हो जाता है बच्चा, अरे ये तो मेरा कैसे गलत हो गया, तो वो आंसर भी याद रहता है। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन पूछते ना बच्चों तो रिप्लाई जरूर किया करो, ठीक है, सही हो गलत हो उसका सोल्यूशन आपको हमेशा याद रहेगा। देखो ये चला ए बी सी, इसमें जो लूप वेरिएबल है ना ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं इसमें आती है, लूप वेरिएबल की वैल्यू इसमें कौन सी वैल्यू आई है यहाँ पर, स्ट्रिंग वैल्यू आई। आया समझ में? तो अच्छा आप जरूरी नहीं है यहीं पे वैल्यू दो, आप इसको सपोज करो यहाँ पे कोई लिस्ट ले लिया आपने, ए इक्वल्स टू मैंने ले लिया दीक्षा आकांक्षा, क्या स्पेलिंग होगी, ए के एन के एस एच, ठीक है, और फिर स्टूडेंट है हमारी डिम्पी, ठीक है, फिर है निकुंज, फिर और कौन बच्चा है हमारे पास, चेतना। ओके, ये मैंने वैल्यूज दे, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ना देके यहाँ इसके नाम भी लिख सकती हूँ। इसमें आप लोगों को जरूर रिप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसमें मैं टपल लिस्ट सब अप्लाई करके दिखाऊंगी, तो जो आप लोगों ने कंसेप्ट कर रखा ना टपल लिस्ट, वो यहाँ स्ट्रिंग वगैरह जो डिफरेंसेस बताए थे वो मैं यहाँ रिपीट करूंगी। ठीक है, प्रिंट, इसने क्या प्रिंट किया है, लिस्ट की लिस्ट प्रिंट कर दी। ठीक है, इसकी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करी, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, है ना, यहाँ पे इसने सारी की सारी लिस्ट डिस्प्ले कर दी आपको। अच्छा अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ टपल में तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा बताओ, प्रिंट लूप, इस हिसाब से इसने यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। इसमें हम इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ लगा के देखते हैं, इफ लूप वेरिएबल इक्वल्स टू निकुंज, सही मैच हो गई ना स्पेलिंग, एन आई के यू एन जे, ठीक है, देन क्या करें ये प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दे दिस स्टूडेंट इज अ बॉय। ओके, हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, एल्स भी दे डाल सकते हैं ना, एल्स क्या कर दे, एल्स प्रिंट कर दे दिस स्टूडेंट इज अ गर्ल। ओके चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते, क्या मिस्टेक आई इसमें, ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा कहाँ, अच्छा एंड में, लगाई ब्रैकेट नहीं लेकिन दे रहा है एल्स में प्रॉब्लम, ठीक है, इसलिए तो इसको बोलते हैं, इसमें कॉमन सेंस नहीं है। देखो दिस इज अ, दिस स्टूडेंट इज अ गर्ल, ओके, इसने क्या किया बच्चों, सिर्फ फर्स्ट वाले को कंपेयर किया। ओके ये लूप कितने टाइम चलेगा, चलो इसको चला के देखते हैं एक बार, ये प्रिंट हटा देते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट को हटा देते हैं,
नहीं तो ये प्रिंट के लिए वो फिर कौन सी वाली फाइल खोलता है उसमें इतना टाइम लगाएगा। डिबगिंग करके देखते हैं इसकी। चलो प्रोसेसिंग समझते हैं इसकी कैसे चले। डिबगर ऑन हो गया। चलो रन किया हमने। ओके क्यों भाई एक्सपेक्टेड एंड ये फर्स्ट ए इसने डिक्लेयर किया। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ ए दे दिया ना इसने, ए के अंदर सारी वैल्यू स्टोर कर दी। गो सॉरी गलत कर दिया। एग्जीक्यूट किया हमने ठीक है, ए इसने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद स्टेप इनटू किया। देखो लूप वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यूज आ गई बच्चों, ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई उठ के, है ना। लूप वेरिएबल इक्वल्स टू दिस लिस्ट। उसके बाद हमने किया किसको, इफ लूप वेरिएबल इक्वल्स टू निकुंज, लूप वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू निकुंज। ओके लूप वेरिएबल यहाँ पे क्या है, ये लिस्ट की वैल्यूज है। ओके स्टेप एल्स दिस इज अ गर्ल। अगर मान लो इसका लूप वेरिएबल की वैल्यू निकुंज होती तो ये क्या डिस्प्ले करता, दिस इज अ बॉय। अभी इसने क्या डिस्प्ले करा, दिस इज अ गर्ल, और उसके बाद प्रिंट कर दिया लूप वेरिएबल। ठीक है ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी रन डॉट पी वाई से। ये जो आप मॉड्यूल वाला चैप्टर है ना उसमें यही क्रिएट कर रहे हैं, जो ये अभी इसमें ना ये रन डॉट पी वाई इसने फाइल, ये ऐसी फाइलें आप बनाएंगे और उसको फिर इम्पोर्ट करेंगे। ये देखो अभी क्या हुआ, फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चली। पहले दिस इज अ गर्ल, देखो यहाँ दिस इज अ गर्ल इसने प्रिंट करा और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी लिस्ट की। फिर से ये नहीं चला एंड। तो ये लूप कितने बारी चला बच्चों आपका, 5 टाइम नहीं चला ये लूप, कितने टाइम चला बच्चों, 1 टाइम। आया समझ में, हुआ क्लियर। आपने यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर एक सॉरी ये टपल है, टपल के अंदर कितने एलिमेंट दे दिया आपने, 5, और यहाँ पे दे दिया ए, तो ये कितने टाइम चला बच्चों, 1 टाइम। ओके मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ लिस्ट में, फिर देखते हैं ये कितने टाइम चलेगा। अभी तक हमने टपल में इसको कन्वर्ट कर रखा था। रन करते हैं इसको, रन। ओके ठीक है ये देखो ए डिक्लेयर कर दिया या नीचे दिख रहा है ना, ये आई वे डिक्लेयर कर दिया उसमें ये लिस्ट की वैल्यू चली गई। रन ये इसने प्रिंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, ये इफ वाली, फिर दूसरा प्रिंट इसने एग्जीक्यूट किया। ओवर ठीक है, रन डॉट पी वाई बंद कर देते हैं। इसने क्या यहाँ पे डिस्प्ले किया बच्चों, दिस स्टूडेंट इज अ गर्ल। ओके दीक्षा सेम इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। आया समझ में, यहाँ पे देखो इसने सेम आउटपुट डिस्प्ले करा। तो आप लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि अगर आपने ये एक लिस्ट ली है और लिस्ट की वैल्यू आपने इसको यहाँ एज इट इज पास कर दी तो ये कितनी बारी चलेगा, जो हमारी कॉमन कंफ्यूजन रहती है ना बच्चों को, वो क्या रहती है कि ये 5 बारी लूप चलेगा क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज 5 है, लेकिन ये कितने टाइम चल रहा है बच्चों, 1 टाइम लूप चल रहा है। ओके ये तो था लिस्ट का कंसेप्ट। अच्छा व्हाट इफ आई विल क्रिएट अ स्ट्रिंग, मैंने लिखा है ए, ए एक स्ट्रिंग है। अभी तक हमने किसको एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, लिस्ट को और टपल को, है ना। अभी हम किसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग को। हमने स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग के केस में देखते हैं इसको, रन करते हैं। ओके डिबगर को बंद कर लेते हैं पहले, ठीक है ये देखो दिस इज अ गर्ल दीक्षा। कितने टाइम ये लूप चला, 1 टाइम, है ना। कैसे पता चला, एक सेकेंड, 1 टाइम ऑन,
रन ओके ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो गई दीक्षा, ए वेरिएबल के अंदर दीक्षा स्टोर हो गया। इफ आई वेयर की वैल्यू कितनी है इसमें दीक्षा है ना, इफ दीक्षा इक्वल्स टू निकुंज नो, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया दिस इज अ गर्ल, ये प्रिंट कर देगा ठीक है। और फिर उसके बाद आई वेयर की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा हुआ क्लियर। ये यहां पे अगर आप ऐसे वैल्यू देते हो तो ये क्या करेगा तो भी वन टाइम ही चलाएगा अभी हम एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में नहीं देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। तो देखते हैं ये कितने बारी चलाएगा, 1, 2, 3, 5, 88, 1, 2, 3 ये हमने इसको वैल्यू दे दी। ए हमने एक लिस्ट डिक्लेयर कर ली ओके बच्चों, इसको बंद कर देते हैं अभी डिबगर को ओके। ये देखो ये कितने टाइम चला, वन टाइम ओनली ठीक है। ये जब लिस्ट आप यहाँ पे देते हो बच्चों तो ये पूरी की पूरी लिस्ट इस ए को इस लूप वेरिएबल को पास कर देता है ओके। जैसे आपने लिखा ए तो ये पूरी की पूरी लिस्ट इसको पास कर देता है और ये कितने टाइम चलेगा, वन टाइम चलेगा ओके। रिपीट करना एक बारी क्वेश्चन, हमने एक लिस्ट तो ये ले ली है ना, हाँ हम एक और लिस्ट ले लेते हैं बी वेरिएबल में, कॉमा कॉमा 54 ओके, दो लिस्ट ले ली। अब आप आगे क्या फॉर लूप वेरिएबल अब हम इनमें दोनों को असाइन कर सकते हैं, ए कॉमा बी आप असाइन करना चाह रहे हो यहाँ पे कर दिया ओके। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज, जो लूप वेरिएबल है बच्चों इसकी कितनी वैल्यूज हो गई, दो वैल्यूज हो गई, एक ए और एक बी, आया समझ में, सिर्फ दो वैल्यूज है यहाँ पे, हुआ पॉइंट क्लियर। लिस्ट में क्या होते हैं इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं ये है ना, डाउट क्लियर हुआ, किसका था ये डाउट मैम डिंपी, बढ़िया डाउट। इसने दो बार क्यों डिस्प्ले किया, किसको दिस इज अ गर्ल को, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू, एक बार डिस्प्ले किया फिर बी का, हाँ दो वैल्यूज है ना, पहले इसने ए लिस्ट को कंपेयर करा ठीक है निकुंज से, ये तो इसमें नहीं है, है ना, तो इसने याद दे दिया दिस इज अ गर्ल एल्स वाला पार्ट, फिर दोबारा इसने बी लिस्ट को कंपेयर करा तो इसने ये दे दिया, और ये तो टू टाइम चलेगा, ये जो वेरिएबल वेरिएबल की वैल्यू इसने टू टाइम डिस्प्ले कर दी ओके। ये जो फोर लूप है ना, फोर लूप में हम एल्स भी यूज कर सकते हैं ओके। ये हटा देती हूँ मैं बीच वाला, ये हटा देती हूँ, सिर्फ यही स्टेटमेंट रखते हैं प्रोग्राम छोड़ता है, इसमें ना हम एल्स भी डाल सकते हैं। जैसे सपोज करो जैसे आपका ये लूप चल रहा है, लास्ट में आप शो करना चाहते हो दिस प्रोग्राम इज ओवर ओके, आपने दे दिया यहाँ पे 1, 2, 3 ठीक है, तीन वैल्यूज दे दी, लिस्ट का कंसेप्ट हम ये लिस्ट का यूज नहीं कर रहे हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे सिर्फ एल्स इसमें इफ में नहीं होता, इसमें भी दे सकते हम, सेम स्टेटमेंट लिख देते हैं प्रिंट, क्या प्रिंट कर ले This program is over. Okay, हमने यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया, अब इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं ओके। तो ये आपका लास्ट में चलेगा ही चलेगा, क्या होता है फर्स्ट टाइम आपका लूप में आया, लूप वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, वन हो गई ठीक है। जैसे लूप वेरिएबल की वैल्यू वन हुई तो इसने प्रिंट कर दिया वन, फिर लूप वेरिएबल टू हो गया, लूप वेरिएबल टू प्रिंट कर दिया, थ्री हो गई लूप वेरिएबल की वैल्यू, थ्री प्रिंट कर दी,
और अब लूप वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है, अगर लूप नहीं चल रहा है, ठीक है, देन इन दैट केस दिस एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, जैसे आप कोई मान लो प्रोसेसिंग चलाते हो, ठीक है, लास्ट में कोई आपको मैसेज प्रिंट करना है, तो आप कैसे पता चलेगा कि या तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन दो, है ना, या तो यहाँ पे आप इफ कंडीशन दो कि इफ लूप वेरिएबल इक्वल्स टू 3, अगर ये 3 है तो उस केस में क्या करेंगे, प्रिंट कर दे प्रोग्राम इज ओवर, एंड प्रिंट कर दिया। या तो हम ऐसे देंगे इसको, है ना, या हम डायरेक्ट, अब इसमें क्या हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, व्हेन आर लूप इज, मतलब ये जो लूप है हमारा ये कब ओवर होने वाला है, ठीक है, तो उस केस में तो हम ये दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि ओवर कब होगा, जैसे व्हाइल लूप करेंगे, व्हाइल में भी यूज कर सकते हैं बच्चों ये, तो उस केस में भी हम इसको देखेंगे। अच्छा, इसको यहाँ पे कमेंट करके इसको एक्सेक्यूट कर, ठीक है, दे दिया ना एंड, जहाँ पे एंड हुआ। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है हमें नहीं पता होता है लूप कितनी बारी चलेगा, ठीक है, तो उस केस में हम कब देंगे यहाँ पे, तो वो हम जब लास्ट में कोई मैसेज वगैरह डिस्प्ले करना चाहते हैं कि जब लूप एंड हो तो उसके बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट चल जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एल्स पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एल्स का कोई और ज्यादा इसमें रोल नहीं है, बस ये है जब आपका लूप एक्सिक्यूट होके ओवर हो जाएगा उस केस में जो एल्स में आपने कमांड लिख रखी है दैट कमांड्स विल बी एक्सिक्यूटेड, बस इसका यही यूज है। फॉर लूप हो गया खत्म, व्हाइल लूप करें, मैम यूजर भी असाइन कर सकता है इसकी वैल्यू, लूप की वैल्यू, हाँ कर सकता है, देखो करके ही देख के देखते हैं कि यूजर ने जो वैल्यू दी है, जो हम व्हाइल लूप करेंगे ना बच्चों उसमें जो कंडीशन होगी ना उसमें हम यूजर से ही वैल्यू एंटर कराएंगे, और जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसी की वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है, इसको ना मैं व्हाइल लूप में आपको अप्लाई करती हूँ, पहले सी एच इक्वल्स टू यस, ओके, व्हाइल में सिर्फ कंडीशन देते, व्हाइल में सिर्फ आप क्या करते हो, कंडीशन देते हो, क्या कंडीशन है आपकी, व्हाइल चॉइस इज इक्वल्स टू वाई, अगर आपकी चॉइस जो है वाई है, उस केस में ये क्या हो जाए, उस केस में प्रिंट एज वेरिएबल ले लेते हैं, एंटर योर एज, ओके, इसको हम कर लेते हैं एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज, इसको किस में कर लेते हैं, इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन डिस्प्ले कर दे ये, यू कैन वोट, ठीक है, एल्स क्या प्रिंट कर दे, कैन नॉट वोट, ठीक है, ये प्रिंट कर दे। चलो फिर हम क्या करेंगे इसमें, फिर से यूजर से पूछेंगे वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, हम सेम यहां लिख लेते हैं सी एच इक्वल्स टू, इंटीजर में नहीं है तो हमें स्ट्रिंग में ही लेना है, अब यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, ओके, तो फिर ये बताएगा यस और नो, वेदर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू और नो, चलो इसको देखते क्या है, अनएक्सपेक्टेड हटा देते हैं, ये देखो एंटर योर एज सबसे पहले यही आ गया, ठीक है, एंटर योर एज,
कौन सा वैल्यू वेरिएबल आया, वैल्यू आई ये, इसने लूप में एंटर कर लिया है ना, तो एंटर योर एज हमने दे दिया 32. ओके, यू कैन वोट, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? यस ऑफ कोर्स, हमने दे दिया यहाँ पे यस, एंटर योर एज 12. वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? यस. ठीक है, ये कब तक लूप चलेगा बच्चों? जब तक के यूजर इसमें वाई 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 एंटर करता जाएगा. ठीक है, तो व्हाइल लूप का डिफरेंस आप लोगों को समझ आया फोर लूप से? इन फोर लूप, बिफोर बिगनिंग ऑफ द लूप वी वर नोइंग दैट हाउ मच टाइम दिस लूप इज गोइंग टू बी रिपीटेड, है ना, बट इन दिस केस वी डोंट नो कि यूजर कितने बच्चों का चेक करेगा. हो सकता है वो कैंडिडेट्स का देखना चाह रहा है. ठीक है, जैसे सपोज करो वो कमीशन चेक करना चाह रहा है. ठीक है, अगर कोई एक मैनेजर है उसके अंडर पे मान लो 15 सेल्समैन है, तो वो ये देखना चाह रहा है कि कितना कितना कमीशन बना, तो वो कितने सेल्समैन का देखेगा? 15 का. सपोज करो उसमें से दो पूरा महीना छुट्टी पे थे, तो वो कितनों का चेक करेगा? 13 का. हम लोगों को स्टार्टिंग में नहीं पता कि वो कितने सेल्समैन का चेक करने वाला है. ठीक है, हो सकता है अगले महीने सेल बढ़ गई. ठीक है, कोई ऐसा सीजन आया तो उसको और उसने 5-7 हायर कर लिए, तो अगले महीने वो कितनों का चेक करेगा? 17 का. या कई बार क्या होता है, ऐसी रैंडम सिचुएशन होती है उसमें आपको नहीं पता आप कितनी बार ये काम करने वाले. इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू विल यूज व्हाइल लूप. गॉट इट? जब तक मैं इसको अंदर व्हाई देती जाऊंगी ना, तो तब तक ये लूप चलेगा. मैंने यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया बच्चों? कैपिटल वाई. अगर मैं इसको स्मॉल वाई भी दे देती हूँ ना, देन ऑल्सो इट विल एग्जिस्ट. ये देखो खत्म लूप. आया समझ में वाई लूप कैसे काम करता है बच्चों? एक बार इसका डिबगर चला के दिखाऊं. डिबगर चलाएंगे ना, ये बहुत टाइम लगाता है इसमें. चलो एक टाइम कंफ्यूजिंग हो जाएगा रैम लूप. एक टाइम इसको बस एक टाइम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. इसको रन करते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग हुई प्रोग्राम की यहाँ से, है ना, ये देखो चॉइस इक्वल्स टू वाई. चॉइस में स्टार्टिंग में वाई, कंडीशन इसकी सेटिस्फाइड हो गई. वाई इक्वल्स टू वाई, कंडीशन सेटिस्फाइड. अंदर आएगा एज. ठीक है, एज पे आया, एज इक्वल्स टू, फिर इसने ये इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी. ठीक है, ये इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, तो इसको फिर हमने क्या दिया यहाँ पे? वैल्यू दे दी, एंटर योर एज. कितनी वैल्यू दे देंगे हम इसको? 3 ईयर दे दिया. ठीक है, फिर से लूप चला. अब ये क्या करेगा? इफ कंडीशन चेक करेगा. ठीक है, इफ कंडीशन इसने चेक की, इफ कंडीशन नहीं, अभी नहीं उसका आउटपुट दिया इसने. एल्स वाले पार्ट पे आया ये, है ना. इफ कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स था, एज इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो एल्स वाले पार्ट पे आया. ठीक है, ये देखो इसने क्या किया यहाँ पे, डिस्प्ले कर दिया कैन नॉट कंटिन्यू. वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? तो ये क्या करेगा, अगर इसको यहाँ पे बच्चों कैपिटल वाई मिल जाता है ना, उस केस में ये दोबारा से कहाँ जाएगा? वाइल लूप की बिगनिंग. जैसे यहाँ वाई मिल गया ना, ये कहाँ जाएगा फिर? यहाँ से ये, जैसे इसको यहाँ y मिला, y मिलते ही ये कहाँ चला गया? यहाँ चला. वर्क क्लियर ये? यस मैम. व्हाइल लूप में क्या था? व्हाइल लूप में कुछ नहीं है बच्चों. जैसे उसमें तो था ना, रेंज दे सकते थे आप, या इंडिविजुअल एलिमेंट्स दे सकते थे, या लिस्ट दी थी आपने, टपल दिया था. ठीक है, इस केस में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इस केस में यू हैव टू गिव सिंपल कंडीशन. ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ये अंदर आएगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में ये बाहर चला जाएगा. व्हाट इफ आई विल रिमूव दिस लाइन, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका प्रोग्राम पे? कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस मैम. मैम ये दोबारा नहीं जाएगा उस पे, व्हाइल पे दोबारा नहीं जाएगा. देख लेते हैं, तो डिबगर को बंद कर दे.
एंटर योर एज 12, कैनोट वोट, एंटर योर एज 43, एंटर योर एज 12, एंटर योर एज, करते जाओ एंटर। क्या हो गया ये, एंडलेस लूप चल गया ये इस केस में। ओके, ये क्या हो गया बच्चों, एंडलेस लूप चल गया, इनफिनिटी। यहाँ पे चॉइस तो पूछी नहीं इसने, फिर ये एंडलेस लूप क्यों चल रहा। क्या क्या कह रही हो, रिपीट करना। मैम यहाँ पे इसने चॉइस तो पूछी नहीं हमारी, चॉइस तो इसको ये आ गया नहीं बच्चों, इसको है ना ये कॉमन सेंस नहीं है कि इसको चॉइस पूछनी है। आया समझ में, ये कंप्यूटर जो होता है बहुत ही डम इंटेलिजेंट मशीन होता है। ओके, इसको स्टार्टिंग में हमने दे दिया चॉइस इक्वल्स टू वाई, ये लूप के अंदर आया, सी एच की वैल्यू कितनी है वाई। ये कब इस लूप से बाहर जाएगा बच्चों, जब सी एच की वैल्यू वाई नहीं रहेगी। आया समझ में, सी एच की वैल्यू तो वाई है, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे सी एच की वैल्यू तो उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, है ना। जब तक ये प्रोग्राम चलेगा जब तक सी एच की वैल्यू तो वाई रहेगी, सी एच की वैल्यू तो कभी चेंज होने वाली नहीं है, तो ये लूप भी कभी ओवर होने वाला नहीं है। हुआ क्लियर? यस मैम। क्या करा दूं मैं, फोर का करा के उसको, फोर का प्रोग्राम वाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो ये जो टू का टेबल हमने डिस्प्ले किया था ना बच्चों, इसी का कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा था, फोर, ओके, लूप वेरिएबल इन रेंज, ठीक है, कहां से कहां तक चलेगी हमारी रेंज, टू से स्टार्ट होके 21 तक। ओके, और उसका इंक्रीमेंट हम दे देते हैं -2। ओके, तो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट लूप वेरिएबल वैल्यू। चलो देखते क्या एग्जीक्यूट करता है, ये नहीं किया मैंने, -2 ले रखा अपने स्टेप वैल्यू। वेरी गुड, -2 ले लिया, अब देखते हैं इसको, दे दिया है ना 2 to 20, इसी को कन्वर्ट करते हैं। देखो हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो स्टार्टिंग, व्हाइल लूप में क्या करना होता है, हमको कंडीशन देनी होती है व्हाइल, ठीक है। व्हाइल क्या करेंगे हम इसको, ठीक है, तो इसमें हमने while में क्या लिखा, while इसका कोई अलग से वेरिएबल लेंगे, कहां से स्टार्ट होगा वो, 2 से स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है। हमने ले लिया while loop वेरिएबल equals to, कहां से स्टार्ट होगा 2 से, तो ये हमने लिखा while loop वेरिएबल equals to 2। याद रखना यहाँ हमने डबल इक्वल टू लगाया, ऊपर सिंगल है ना, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट है और बच्चों यहाँ पे कंपैरिजन है। ओके, तो ये क्या करें, प्रिंट, कंडीशन गलत दे दी, कब तक चलेगा ये, व्हाइल लूप वेरिएबल लेस देन, ओके, लेस देन कितने तक है, 21 तक। एंड की कंडीशन हमको देनी है कि कहाँ पे एंड होगा, जब तक ये लेस देन 21 है तब तक चले और उसके बाद ओवर हो जाए, ठीक है। तो हमने किया इसको प्रिंट, किसको प्रिंट करना है, व्हाइल लूप वेरिएबल को प्रिंट करना, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में व्हाइल लूप वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी, 2, हमने क्या किया, व्हाइल लूप वेरिएबल इक्वल्स टू व्हाइल लूप वेरिएबल प्लस 2, गॉट इट। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते, हर बारी 2-2 का इंक्रीमेंट होगा, एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर आता है तो देख लेते हैं एरर को भी, ये लो, ठीक है, 2 टाइम, एक बार ये 2 का टेबल डिस्प्ले कर दिया, एक बार ये 2 का टेबल डिस्प्ले कर दिया, फर्स्ट टाइम ये लूप वेरिएबल चला, सेकेंड टाइम ये लूप वेरिएबल चला। ओके, हम इसको हटा देते हैं, 4 को कन्वर्ट किया हमने इसमें,
ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम, ऐसे कोई वो नहीं है कि आप इसको व्हाइल से ही कर सकते हो, बस आपको अपनी कन्वीनियंस देखनी है, ठीक है। उसमें क्या किया था हमने, ये देखो एक ही लाइन में हमने सारी की सारी वैल्यूज लिख दी है ना, और इसमें क्या करा, पहले तो हमने वैल्यू असाइन की स्टार्टिंग कहां से हो, फिर बगीरा, फिर हमने यहाँ पे इसको कंडीशन दे दी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए भी इतनी लंबी है इसको कमांड दी, ओके। तो इसको एक बारी हम हटा देते हैं, हैश साइन कमेंट बना दिया इसको, ये अब इफेक्टिव नहीं होगा, ओके। ये हो गया ना कन्वर्ट। ऐसा हर प्रोग्राम है जो हम इससे बना सकते हैं, ओके। आप लोगों को एक होमवर्क दूं, यस यस मैम, ये जो हमने कन्वर्ट किया ना फोर लूप को व्हाइल लूप में, ऐसे जो हमने आज व्हाइल लूप का प्रोग्राम किया था ना एज वाला, ठीक है, वो एज वाला आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, फोर लूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो वो एज वाला था ना व्हाइल चॉइस इक्वल्स टू यस वाला, वो आपको किस में कन्वर्ट करना है, फोर लूप में। आप कन्वर्ट करके दिखा देना मुझे, मैं मान जाऊंगी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर नहीं भी कन्वर्ट हुआ तो फिर कल दोबारा कर लेंगे उसको कन्वर्ट, ओके मैम। वो एक बार आप भेज देना वो जो कोडिंग थी इफ वाला, हाँ वाइल वाली, ओके वाइल वाला, वो मैं अभी ये करूंगी ना बच्चों, इसको क्रॉप क्रूप करके कट पेस्ट करके और फिर वीडियो अपलोड करूंगी ना, उसमें से देख लेना, क्योंकि अभी तो रिमूव हो गया सारा, वो कहीं ना कहीं वीडियो में ही होगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है, ओके मैम। तो एंड करें बच्चों आज की मीटिंग, यस मैम, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।